हेलो दोस्त, रेलवे LP CVT 2 रिवाइज रिजल्ट 7 दिसंबर 2018। तो बहुत सारे जगह पे आपने देख रखा होगा कि ये दिखाया जा रहा है 7 दिसंबर 2018 को रिजल्ट आएगा और CVT 2 परीक्षा का 24 दिसंबर 2018 आएगा। ये पॉसिबल है या नहीं है, इसके बारे में ये वीडियो है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, जो यहाँ पे टॉपिक चल रहा है, लोगों का क्वेश्चन आ रहा है मेरे चैनल पे, रिवाइज रिजल्ट अब नहीं आएगा। तो बहुत से लोग बोल रहे हैं कि जो आना था वो आ चुका है, ये भी बोल रहे हैं लोग। कुछ बोल रहे हैं बार बार क्यों रिजल्ट की बात करते हो, नहीं करना चाहिए आपको, क्योंकि इससे लोगों के पढ़ने की टाइम बर्बाद होगा। और ये मेरा भी यही कहना रहता है कि जो भी आएगा आपको RRB की वेबसाइट पर आएगा, तो बार बार रिजल्ट की बात नहीं करना चाहिए। लेकिन पर्सनली लोग पूछते हैं कि बता दो क्या होगा, रिजल्ट कब आएगा, और CVT 2 24 को ही होगा, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं। तो हम सब लोग के साथ सहमत है, 24 को हो सकता है। कोई ऐसा पॉसिबिलिटी कहीं ऑफिशियल रेलवे ने नहीं दिया है कि रिजल्ट कब आएगा और CVT 2 कब होगा, और उसके बाद 7 दिसंबर को रिजल्ट ऑफिशियली ज़रूर आएगा। ये बहुत सारे चैनल पे आ रहा है और इसके लिए न्यूज़पेपर इंडियन एक्सप्रेस और रेलवे अधिकारी अंगराज मोहन, दोनों का नाम बहुत चर्चित है, और दोनों के नाम चर्चित है तो उनके बारे में हमें जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले उन्हीं के टर्म में हम जानते हैं। तो उन्होंने 22 दिसंबर को जब मास्टर की आया था तो बोला कि रेलवे का अभी रिजल्ट नहीं आया है, रिजल्ट आएगा 26 नवंबर 2018 को। तो सब लोग 26 नवंबर की इंतज़ार कर रहे थे, तो 25 नवंबर को शाम को बोलते हैं कि रिजल्ट दिसंबर के फर्स्ट वीक में आएगा। तो हम जब दिसंबर के फर्स्ट वीक में आए तो आ गया आपका 30 नवंबर, तो फिर से बोला गया कि रिजल्ट सेकंड वीक में आएगा। और ये कल शाम में, यानी कह सकते हैं 4 तारीख को इवनिंग में बोला जा रहा है कि 7 दिसंबर 2018 को रिजल्ट ज़रूर आएगा, और ये खबर छपी है इंडियन एक्सप्रेस में। और साथ में इंडियन एक्सप्रेस में ये भी लिखा हुआ है CVT 2 का डेट 24 दिसंबर को ही होगा। तो आप सोच सकते हैं कि तारीख पे तारीख ये पॉसिबल कभी हो ही नहीं सकता, और पॉसिबल जब तक ये होता जब रेलवे ऑफिशियली इसकी अनाउंसमेंट करता, जैसे वेबसाइट पे आता। अगर अंगराज मोहन जी रेलवे के ऑफिशियल अधिकारी हैं तो ऑफिशियली RRB की वेबसाइट पे ये आता कि 7 दिसंबर को रिजल्ट आएगा। तो मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं वो अपनी तैयारी करें कि 24 दिसंबर को एग्ज़ाम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन मेरा पर्सनल व्यू है कि 24 दिसंबर को एग्ज़ाम नहीं होगा, कंडीशन है। लेकिन रेलवे ने अभी तक अनाउंसमेंट जो किया है उसमें डेट 24 दिसंबर ही है और रिजल्ट 7 दिसंबर की बात हो रही है। तो आ भी सकता है, पॉसिबल भी है और नहीं भी पॉसिबल है, लेकिन मुझे किसी इंडियन एक्सप्रेस या किसी न्यूज़ चैनल पर विश्वास नहीं करना चाहिए, और आपको भी केवल RRB से करना चाहिए। और मैंने ये 3-4 बार ये टॉपिक को आपको डिस्क्राइब भी कर चुका है कि जब तक RRB के ऑफिशियल वेबसाइट पे रिजल्ट की घोषणा नहीं होती तब तक इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, और इसलिए वीडियो बनाना पड़ रहा है। लोग कहेंगे कि फिर वीडियो क्यों बनाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, ये सारे कमेंट जो आ रहे हैं वो मेरे व्यूअर या सब्सक्राइबर का है, और सबकी ध्यान रखना मेरा कर्तव्य बनता है। क्योंकि जब तक आपका है, और लोग कहते हैं कि बार बार क्यों ऐसा रिजल्ट के बारे में बात करते हो, तो मैं भी पर्सनली बहुत दुखी हूँ, मैं आपके साथ बता रहा हूँ। क्योंकि अगर हम एक वीडियो स्टडी का बनाते हैं तो उस पर देखने वाले व्यूअर की संख्या बहुत कम है, और तब भी वो बनाना पड़ता है। और क्योंकि पता नहीं 24 दिसंबर को अगर एग्ज़ाम हो जाए तो हमारे व्यूअर को लगेगा कि मैं उनके साथ सही नहीं कर रहा हूँ। तो ध्यान दीजिएगा, रिजल्ट की बात करना हमारा काम नहीं है, हमारा काम था स्टडी पे फोकस और करेक्ट जानकारी देना, और करेक्ट जानकारी अभी रेलवे की तरफ से कोई नहीं आया है। तो इसलिए आपको इंतज़ार करना चाहिए कि जब तक रिजल्ट आता है तब तक आप वेट कीजिए और स्टडी को कंटिन्यू कीजिए। मैं यहाँ आपको कहूँगा स्टडी को आपको ब्रेक नहीं करना है किसी हालत में, रिजल्ट कभी भी आए, 24 दिसंबर को एग्ज़ाम हो या 17 जनवरी को एग्ज़ाम हो, तो आपको केवल स्टडी करना है, और ऑफिशियल वेबसाइट पे आएगा तो हम इंतज़ार करेंगे उसके लिए। थैंक यू, धन्यवाद।